नमस्कार दोस्तों, घोस्ट हंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं 3 जुलाई 1984 को भारत सरकार के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा माइंस रेस्क्यू रूल्स की ड्राफ्ट पेश किया गया था और इस प्रावधान को रखा गया था कि आने वाले 3 महीने तक इस रूल से प्रभावित लोगों से उनकी आपत्ति और सुझाव के बारे में प्रावधान को विचार में लाया जाएगा और फिर बिलोंग ऑन माइंस के लिए 2 अप्रैल 1985 को माइंस रेस्क्यू रूल्स लागू हो गया। अभी हम लोग माइंस रेस्क्यू रूल से जुड़े कुछ डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। रेस्क्यू रूम कोई ग्रुप ऑफ माइंस या फिर किसी भी अकेले माइंस से जुड़े एक रूम जिसमें रेस्क्यू से जुड़े सामान को मौजूद रखा जाता है। रेस्क्यू स्टेशन किसी ग्रुप ऑफ माइंस से जुड़े एक ऐसे बेस जिसमें रेस्क्यू की ट्रेनिंग दिया जाता है और जहाँ पर एक सुपरिंटेंडेंट के नेतृत्व में एक रेस्क्यू ब्रिगेड हमेशा मौजूद रहता है। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन सुपरिंटेंडेंट के द्वारा सर्टिफाइड ऐसे एक शख्स जिसे रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन की ट्रेनिंग मिली हुई है। सुपरिंटेंडेंट माइंस ओनर द्वारा नियुक्त एक ऐसे शख्स जो रेस्क्यू स्टेशन से जुड़े कामकाज पर ध्यान रखते हैं। अभी हम लोग रेस्क्यू स्टेशन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। चीफ इंस्पेक्टर के कहने पर माइंस ओनर के द्वारा एक निर्धारित जगह में रेस्क्यू स्टेशन के गठन और उसकी देखभाल किया जाता है। एक से ज़्यादा बिलोंगाउन माइंस आखिर अलग अलग माइंस ओनर से जुड़े हो तो 2 या फिर उससे ज़्यादा माइंस ओनर मिलकर भी रेस्क्यू स्टेशन की गठन कर सकते हैं। हर एक रेस्क्यू स्टेशन पे एक सुपरिंटेंडेंट और कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर रहते हैं और साथ ही साथ हर एक रेस्क्यू स्टेशन में कम से कम 18 मेंबर की एक रेस्क्यू ब्रिगेड को हर टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है। आखिर किसी रेस्क्यू स्टेशन की सुपरिंटेंडेंट 60 दिनों से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो माइन ओनर को दूसरी कोई सुपरिंटेंडेंट को नियुक्त करना पड़ता है और ऐसे किसी नियुक्ति की 7 दिन के अंदर माइन ओनर्स फॉर्म 1 के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इस बारे में जानकारी देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं रेस्क्यू स्टेशन पर क्या क्या कार्य किया जाता है। रेस्क्यू और रिकवरी के लिए शुरुआती और पुनश्च प्रशिक्षण देना, किसी बड़ी एक्सीडेंट होने पे अपनी खुद की रेस्क्यू ब्रिगेड के द्वारा रेस्क्यू और रिकवरी की काम को अंजाम देना, रेस्क्यू रूम ना होने पे नज़दीकी माइंस के लिए रेस्क्यू रूम की सुविधा को प्रदान करना। अभी हम लोग रेस्क्यू रूम के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। हर एक बिलोंगाउन माइंस जिसमें 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और जहां 35 किलोमीटर के अंदर दूसरे कोई रेस्क्यू स्टेशन मौजूद नहीं है वहां पर माइंस ओनर के द्वारा रेस्क्यू रूम की गठन और उसकी देखभाल किया जाता है। आखिर उसी जगह में माइंस ओनर की 1 से ज़्यादा बिलोंगाउन माइंस मौजूद है तो एक ही रेस्क्यू रूम से ये काम किया जाता है, जबकि शर्तें उन सभी माइंस को मिला के 5,000 से कम लोग काम करते हो और वो सब 35 किलोमीटर के अंदर में हो और रोड के द्वारा आपस से अच्छी तरह से जुड़े भी हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी बिलोंगाउन माइंस को मिला के 5,000 से ज़्यादा लोग काम करने पे चीफ इंस्पेक्टर रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन के रूप से इस्तेमाल करने की भी परमिशन दे सकते हैं, जबकि शर्तें उन रेस्क्यू रूम में कम से कम अतिरिक्त 15 सेट 2 घंटा तक काम करने वाले सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग अपरेटस मौजूद रहे और साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्टर और कम से कम 5 रेस्क्यू 10% की मौजूद हो। रेस्क्यू रूम के गठन, रेस्क्यू काम से जुड़े इक्विपमेंट और एपरेटस की स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग और एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने में उसे तुरंत माइंस में पहुंचाया भी जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी माइंस में आकर फायरी सिम या फिर 2nd और 3rd degree ऑफ गैसी सिम्स की मौजूदगी होती है तो उस माइंस में 100 से कम लोग काम करने के बावजूद भी रेस्क्यू रूम के गठन आवश्यक होता है। चलिए अभी हम लोग सुपरिंटेंडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। वो खुद भी एक रेस्क्यू 10% होते हैं। उनके पास बिलोंगाउन माइंस के कम से कम 5 साल तक काम करने की एक्सपीरियंस होता है।
उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर्स की सर्टिफिकेट होता है जो सिर्फ ओपन कास्ट वॉकिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी हम लोग इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। वो खुद भी एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होते हैं। बिलो ग्राउंड माइंस में कम से कम 3 साल तक काम करने की एक्सपीरियंस होता है। उनके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होता है जो सिर्फ ओपन कास्ट वॉकिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी हम लोग रेस्क्यू ट्रेन पर्सन के बारे में कुछ जान लेते हैं। रेस्क्यू स्टेशन की सुपरिंटेंडेंट माइंस मैनेजर से बातचीत करके माइंस में काम करने वाले रेस्क्यू ट्रेन पर्सन की चुनाव करते हैं। ये लोग कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रेस्क्यू स्टेशन में काम करते हैं। अभी हम लोग रेस्क्यू रूम इंचार्ज के बारे में कुछ जान लेते हैं। वो खुद भी एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होते हैं। उनके पास बिलो ग्राउंड माइंस में काम करने की कम से कम 3 साल तक एक्सपीरियंस होता है। उनके पास मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट या फिर फोरमैन की सर्टिफिकेट होता है जो सिर्फ ओपन कास्ट वॉकिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। चलिए अभी हम लोग रेस्क्यू के काम में इस्तेमाल होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। हर एक रेस्क्यू स्टेशन में इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए ये सब इक्विपमेंट्स और एपरेटर्स की मौजूदगी रखना पड़ता है, जैसे कि ब्रीदिंग एपरेटर्स, गैस डिटेक्टर, एयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन, फर्स्ट एड इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और सेल्फ रेस्क्यूअर। हर एक रेस्क्यू रूम में ये सब इक्विपमेंट्स और एपरेटर्स की मौजूदगी रखना पड़ता है। किसी बिलो ग्राउंड माइंस में रेस्क्यू रूम की नहीं होने से माइंस के एंट्रेंस पे ये सब इक्विपमेंट की मौजूदगी रखना पड़ता है, जैसे कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प, फर्स्ट एड बॉक्स, ब्लैंकेट और स्ट्रेचर। और साथ ही साथ रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग एपरेटस भी रखना होता है। और इसी के साथ ब्रीदिंग एपरेटर्स, स्मोक हेलमेट, इलेक्ट्रिक और फ्लेम सेफ्टी लैम्प, गैस डिटेक्टर्स, सेल्फ रेस्क्यूअर भी मौजूद रखना पड़ता है। और ये सब चीज़ चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव होती है। किसी भी रेस्क्यू एपरेटर्स के इस्तेमाल से या फिर उसकी वजह से बिलो ग्राउंड या फिर रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन पे कोई भी एक्सीडेंट होने पे मैनेजर या फिर सुपरिंटेंडेंट, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 2 के द्वारा सूचना देते हैं। एक्सपायरी डेट ख़त्म होने पे कोई भी सेल्फ रेस्क्यूअर या फिर गैस डिटेक्टर्स की कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। आखिर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।